एमपी में भी बुलडोजर मामा का भूमाफियाओं पर चल रहा बुलडोजर। प्रतिपुर पुलिस और प्रशासन ने चलाया चौमो ग्राम में भूमाफिया शंकर सिंह की दुकानों पर बुलडोजर। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई 6 दुकानें गिराई। जिले का कुख्यात हिस्ट्री सीटर है शंकर सिंह ठाकुर। निवाड़ी जिले के अलग अलग थानों में शंकर सिंह पर 13 गंभीर आपराधिक मामले है दर्ज। पूर्व में हो चुकी है NSA की कार्यवाही। हाल ही में गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से मारपीट और जान से मारने का हुआ है प्रतिपुर थाने में मामला दर्ज। आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने की कार्यवाही। मामला निवाड़ी जिले के प्रतिपुर थाने के ग्राम चौमो का है, जहां का हिस्ट्री सीटर शंकर सिंह ठाकुर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था, जो आए दिन गरीबों के साथ गाली गलौज मारपीट सहित जान से मारने की धमकी देने जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। लेकिन गांव में शंकर सिंह का इतना भय था कि लोग उसके खिलाफ बोलने तक की हिम्मत नहीं करते थे। इसके साथ गरीबों की जमीन हड़पने और शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण करना शंकर सिंह का पेशा बन गया था, जिस पर पुलिस द्वारा निवाड़ी जिले के अलग अलग थानों में 13 गंभीर मामले भी पूर्व में दर्ज है, जिसमें शंकर सिंह पर पुलिस ने NSA जैसी कार्रवाई की है और शंकर सिंह के द्वारा चौमो ग्राम में मुख्य सड़क पर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण किया गया था। हाल ही में शंकर सिंह के खिलाफ गांव के ही एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने मारपीट सहित जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया, जिसका पुलिस और प्रशासन ने रिकॉर्ड खंगाला और आज बुलडोजर मामा के चल रहे गुंडा माफियाओं के खिलाफ अभियान में शंकर सिंह बुंदेला की 6 दुकानें जेसीबी मशीन से तोड़ी गयी। वर्तमान में जो कि माफिया गुंडा बदमाश है, जो कमजोर वर्ग और महिलाओं के प्रति अपराध करते हैं उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज शंकर सिंह पिता सुमेर सिंह, जो कि चौमो का रहने वाला है और उसको पूर्व में NSA की कार्रवाई की गई थी, 3 माह जेल भी निरुद्ध रहा है और इसके बाद अभी उसके खिलाफ लगभग 13 अपराध दर्ज हैं। हाल ही में एक अनुसूचित जाति वर्ग के पीड़ित व्यक्ति द्वारा उसके खिलाफ एक अड़ीबाजी और जान से मारने की धमकी देने का अपराध दर्ज कराया गया है। तो उस तारतम्य में देखा गया कि उसके द्वारा परिवार के साथ मिलकर एक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए हुए था, अवैध दुकानें बनाकर बेच रहा था। तो वो चीज़ें जैसे हमने ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए और राजस्व की टीम के साथ उसका आज अतिक्रमण हटाया गया। और भी कार्रवाई होने की बात सामने? बिल्कुल, जितने भी माफिया बदमाश हैं, वो चाहे शराब माफिया हो या गुंडा